फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम टू कृष्णा टेलरिंग ओडिया। आज आम शिखेबा पुराना ब्लाउज माप नहीं किपरि कपड़ा उपर रखी तार कटिंग करिबा आउ स्टिचिंग करिबा संपूर्ण प्रोसेस ए गोटिए वीडियो रे। प्रथमे एठि मु गोटे कस्टमर पुराना ब्लाउज नहींची आउ तार फास्ट आम लंब माप करिबा आउ लंब माप करिया पे आम ब्लाउज को बैक साइड को उल्टाइ देली। ब्लाउज़ रो पूरा लंब माप करने कांध उपर टेप रखिली। कांधर अंटा पर्यंत लंब हो 13 इंच। जदि आप डायरेक्ट कपड़ा उपर मार्किंग करेंगे ताले 1.5 इंच एड करेंगे। जदि आप अस्त्र उपर मार्किंग करेंगे ताले 1 इंच एड करेंगे। ब्लाउज़ रो चेस्ट रो माप पाई काख तल को जोंठी हाथ सिलाई रो एंडिंग होइछि एपट काखर आरपट काख पर्यंत देखंतु 20 इंच होउछि। तो आग एवं पछ मिसिले हम 40 इंच। 40 इंच को 4 भाग कले 10 इंच से आप 1.5 इंच कि 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं पारती। एवं माप करवा वेस्ट अंटार अंटा देखु अंटा एटी हूँ 18 इंच। आग एवं पछ पट मिसीगले 18+18 36 इंच। 36 इंच को 4 भाग कले हम 9 इंच। 9 इंच रे आप 1.5 इंच कि 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं पारती। कांध 9.5 इंच तार अर्था 4.75 इंच प्लस 1/2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। पछ गला 7.5 इंच प्लस 1/2 इंच कांध सिलाई। एबे आग साइड गला देखिबा देखंतु एठी आग गला 5.5 इंच प्लस 1/2 इंच कांध सिलाई। हाथ मुहरे 6.75 इंच प्लस 1/3 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। हाथ लंबा 5.5 इंच प्लस 1.5 इंच कि 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई। कांध उपर क्रॉस पट्टी पर्यंत लंब 10.5 इंच आ क्रॉस पट्टी रो बॉटम पट साइड को 3 इंच और बाहर साइड को 1.5 इंच। पुणि थे माप देखनी चाहते जावा डायरेक्ट कपड़ा उपर मार्किंग करिबा। एठि मु नेछि 75 cm रो कपड़ा याकु 2 फोल्ड कर रखिदेली। फर्स्ट आम ब्लाउज रो पछपट मार्किंग करिबा आ यार गोटे साइड क्लोज अच्छी बाकी सब ओपन। कपड़ा रो तल डिजाइन अच्छी से पछपट रखी आ तलू ही मार्किंग करुच्ची आ पूरा लंब अच्छी 13 इंच। 13 इंच 1 इंच एड कर 14 इंच रे मार्क करी। जदि आप डायरेक्ट कपड़ा पर मार्किंग कर 1.5 इंच एड करेंगे आदि अस्त्र पर मार्किंग कर 1 इंच एड करेंगे। किंतु ये कपड़ा 75 cm रु कम अच्छे से 1 इंच एड कर। कांध अच्छी 9.5 इंच तार अर्था 4.75 इंच मार्क कले आए छाड़ी 1/2 इंच मार्क कले यहाँ हूँ एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। काख 6 इंच कांध 5.25 इंच अच्छी तेणु एटी 5.25 इंच मार्क करवा दुटा जा पॉइंट को मिसाई ने छाती 40 इंच 4 भाग कले 10 इंच। 10 इंच गोटे मार्क कली प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलई मार्जिन गोटे मार्क कली। ये सब जा पॉइंट को जॉइंट करदेवी। एबे कमर मार्क करिबा कमर अच्छे 36 इंच ताको 4 भाग कले 9 इंच प्लस 1 इंच टाट प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलई। एबे ए सबुजा पॉइंट को जॉइंट कर देबा। पछ काख गले 2 इंच हाथ रो स्टिचिंग कला बेले मो 1/2 इंच रो स्टिचिंग करे सेति पे एठी मो 2 इंच नै छी आपण 1.5 इंच नै परंती। पछ गला 7.5 इंच प्लस 1/2 इंच कांध सिलाई से 8 इंच मार्क कले। गला चौड़ा 2.2 इंच एटी 2.2 इंच मार्क करी आ गोटे बॉक्स बनाए देवे। एबे राउंड शेप दे देवे। कांध बाहर को डाउन करिया पे 1/2 इंच चिन्ह देली आ गलार पॉइंट संगे मिसाई नेबे। एबे पछपट डांट चिन्ह देबा अंटा आमर 36 इंच 36 को 4 भाग कले 9 इंच। 9 इंच अधा 4.5 इंच मार्क कले। डांट लंब 5 इंच 5 इंच गोटे लाइन टाणी आ डांट पॉइंट रु 2 साइड 1/2 इंच मार्क करी आ 5 इंच को जॉइंट करदेवि। पछ साइड मार्किंग कंप्लीट हो गला। एबे यार कटिंग करने बा
ब्रांच पॉइंट रे एबे गोटे कट लगाई देबी। बैक साइड हो गला रेडी। एबे आको साइड को रखि देबा। बर्तन फ्रंट साइड रो मार्किंग करबा। सेति पे मु बाकी बड़का कपड़ा नहीं छे। आ देखंतु जोठे बैक साइड रो मु कांध कटिंग करथले सेठ हुई मु फ्रंट साइड रो लंबा रो मार्किंग करबी। पूरा लंब 13 इंच प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं मुठी 15 इंच रे मार्क करबी। आउ ए पॉइंट रे गोटे सीधा लाइन टाण देवी। एबे बैक साइड कपड़ा को नेली आ फ्रंट साइड ऊपर रखली। देखंतु फ्रंट साइड टू बैक साइड 1 इंच छोट अछि। आपण चाहेले एठी मध्ये मार्किंग करि परंती किंतु आपण को मु अलग करि पुछाइबी फ्रंट साइड रो मार्किंग। कांधर मार्किंग आगपट आ पछपट सेम अछि 5.2 इंच। काख पछपट 6 इंच थिला एठी मध्ये 6 इंच रे मार्क करिवि। आ कांध 5.2 इंच थिला एठी मध्ये 5.2 इंच रे मार्क करिवि। एठी गो लाइन टाण देली। बर्तन मार्किंग करिबा चेस्ट रो। चेस्ट रो मेजरमेंट मध्ये सेम आग पछ समान। छाती 40 इंच तार 4/10 इंच प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। एठी चेस्ट रो लाइन टाण देबी किंतु अंटार मार्किंग एठी चेंज हबो। पछपटे आम 1 इंच एक्स्ट्रा नेथले डांट पई। आउ अंटार मार्किंग फ्रंट साइड रो हबो। अंटा 36 अछि तार 4/9 इंच प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। एबे ए पॉइंट गुडाक जॉइंट करि नेबी। आग गला 5.5 इंच प्लस 1/2 इंच कांध सिलाई तेणु एटि मु 6 इंच रे मार्क करिवि। गला चौड़ा 2.2 इंच एटि मध्य 2.2 इंच रे मार्क करिवि। आ गोटे बॉक्स बनाइ देबे। आ गला रा राउंड शेप दे देबे। कांध बाहर को डाउन करिया पे 1/2 इंच रे मार्क करिवि। आ गला रा पॉइंट को मिसेइ नेबे। काख गले 1.5 इंच रे मार्क करिवि। आ कांध डाउन 1/2 इंच छाड़ी यार मिडिल पॉइंट रे मार्क करिवि। आ एठी गोले शेप दे देबे। देखंतु गोले शेप देला बळे पॉइंट टू भितर को रखी मार्किंग करिवि। आ काख तळ को 2 सूत डाउन करिवि। पॉइंट टू माने 2 सूत। आ थरे आपण को देखाउ छी। देखंतु काख भितर को पॉइंट टू रखी छी। एबे क्रॉस पट्टी बनेबा। क्रॉस पट्टी बनेबा पई बॉटम पट्टी साइड को अंटा ऊपर को 4 इंच रे मार्क करले। आउ बाहर साइड को 3.5 इंच रे मार्क करले। एबे दुटा जा पॉइंट को मिसाई नेबे। क्रॉस पट्टी रा बाहर साइड टू टेप रखी 4.5 इंच रे मार्क करले। काख भीतर को 1/2 इंच रे मार्क करले। गला ऊपर को 1 इंच रे मार्क करले। एबे तीनोटी जा पॉइंट को मिसाई कटर रो शेप दे देबे। फ्रंट साइड मार्किंग कंप्लीट हो गला। एबे यार कटिंग करि नेबा। बर्तन कटर मार्किंग करिबा। सेति बाकी बड़का कपड़ा नहीं छी या को टू फोल्ड कर रखी देली। आ कटरी को तारी ऊपर रखी तार चारिपटे मार्किंग करि नेबी। गळार बॉटम पट्टी साइड को 1/2 इंच रे मार्क करले। बाहर साइड को मध्य 1/2 इंच रे मार्क करले। एटा 1/2 इंच रो सिलाई हबो। आ ए साइड रे 2 इंच रे मार्क करले। आ ए पटे 1/2 इंच रे मार्क करले। एबे ए दुटा जा पॉइंट रो मिडिल पॉइंट रे चिन्ह देली। मिडिल पॉइंट रो तळ को 1/2 इंच रे मार्क करले। एठी ए दुटा जा पॉइंट को मिसेइ नेबी। आ मिडिल पॉइंट को मध्य कटरी संगे मिसाई नेबी। आ एठी हल्का गोलई शेप दे देबी। आ एठी मध्य ए दुटा जा पॉइंट को मिसाई नेबी।
आ मिडिल पॉइंट रो ऊपर को मध्य 1.5 इंच रे मार्क करले एठे डॉट लंब 3 इंच आ यार दो साइड 1.5 इंच किंबा 1.75 इंच रे आपण मार्क करिवे मु एठे 1.5 इंच रे मार्क करछि आ 3 इंच को मिसाई नेबी गळा तळ को 3.5 इंच रे मार्क करले एठी मध्य 3.5 इंच रे मार्क करिवे आ यार लंब रखिबे 4 इंच स्टिचिंग बॉटम पटे साइड को रहबो आ यार दुई साइड 0.2 माने दुई सूत रे मार्क करले आ 4 इंच को जॉइंट करिनेबे सिंगल कटरी हे गला रेडी एबे यार कटिंग करिनेबा कटर दो सेट चिन्ह देदेवि बनवा हाथ से मु बाकी बड़का थी कपड़ा नहीं छे या को चारि फोल्ड कर रखीदेली ऊपर साइड क्लोज अच्छी बाकी सब ओपन अच्छे आ देखो टे टेढ़ा मेढ़ा अच्छे ताको फास्ट सीधा करदे आहर लंब जहाँ अच्छे ताहा नहीं जाऊँगी ये 6.5 इंच अच्छे 6.5 इंच चिन्ह देली ये 6.5 इंच चिन्ह देली आ गोटे पॉइंट मुझे 3 इंच केप्रे दे 6.5 इंच केप्रे गोटे सीधा लाइन टाणली आ गोटे 3 इंच केप्रे सीधा लाइन टाणली एवं कटिंग कर ब्लाउज पीस को नेली आ कांधर स्टिचिंग पॉइंट पर्यंत टेप को रखिली देखु ये 7.5 इंच हो स्टिचिंग पॉइंट पर्यंत तो ये आम हाफ इंच एड करवा 7.5 इंच प्लस हाफ इंच 8 इंच 3 इंच केप्रे मुझ 8 इंच चिन्ह देली आठ 3 इंच चिन्ह देली 3 इंच आ 8 इंच को जॉइंट कर देबी एटी हल्का गोले सेप दे देबी एटी मध्य हल्का गोले सेप दे एक्स्ट्रा 2 इंच बढ़ाई नेबी मोहरे 7 इंच रे मार्क करबी आ 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन पुणि थरे ब्लाउज पीस को नेली आ यार काखु गोले पूरा मार्किंग करबी देखंतु एटी 10.5 इंच होची एटी मध्य 10.5 इंच रे मार्क करबी आ मोहरे 8.5 को जॉइंट कर बाहर फ्रंट साइड पे हाफ इंच भितर को मार्किंग करी हाथर मार्किंग कंप्लीट हो गला एबे यार कटिंग करने बा हाथर मझे गोटे कट लगाई देबी हाथ को खोल देली आ फ्रंट साइड पे हाफ इंच भितर को मार्किंग करी ताको मध्य कट करनी सिंगल कटरी ब्लाउज रो कटिंग कंप्लीट हो गला एबे चलंतु देखिबा यार स्टिचिंग प्रथम स्टिचिंग मु कटर रु ही आरंभ करी एटा तलर डांट स्टिचिंग करी एबे बॉटम पार्टी साइड रो डांट सिलाई करिवे कटर रो सिलाई हे गला एबे एस पटी को कटर संगे जोड़ी देबा ठीक से परी आर साइड मध्य एस पटी को कटरी संगे जोड़ी देबा एबे योक पटी रो सिलाई करिबा सेति पई मु 2 इंच चौड़ा रो कपड़ा नै छी आ याको तळ पट हाफ इंच रो सिलाई करी भीतर को मोड़ी नेबी
पिंच छाड़ी आउ गोटे सिलाई करी परे हेमिंग परे ए सिलाई को खोली देबी। ठीक से परी आर साइड मध्य योग पटी रो तळ साइड कपड़ा को जॉइंट कर नेबा। एबे योग पट्टी आउ ऊपर साइड दुईटा जाक जॉइंट कर नेबा। ए स्टिचिंग मध्य मो हाफ इंच रे सिलाई करिबे। सिलाई रो उपरे उपरे माने तर टिपरे टिपरे आउ गोटे सिलाई करिबे। पॉइंट टू छाड़ी आ गोटे सिलाई करी। ब्लाउज रो फ्रंट साइड रो सिलाई हो जाइछि। एबे यार हुक पट्टी आ हाई पट जॉइंट करिबा। ब्लाउज रो राइट साइड रे लागिबो हुक पट्टी आ लेफ्ट साइड रे लागिबो हाई पट्टी। एडा मु लेफ्ट साइड रो नै छी आ सेति पई मु 5 इंच चौड़ा रो कपड़ा नै छी ताको दुई फोल्ड कर देली आ ब्लाउज रो उल्टा साइड रखी ताको स्टिचिंग करिवि। एटा मु पॉइंट 2 रो स्टिचिंग करू छी। तळको टिके अधिक कपड़ा अछि सेति पई ताको टिके कटिंग कर नेबी आ भीतर को मोड़ी सिलाई नेबी। एबे या को सीधा साइड को उल्टाई देबी। एबे देखंतु सिलाई बाहर को रहइबो आ तार ऊपर कपड़ा को मोड़ी आ गोटे सिलाई करिवी। पॉइंट 2 छाड़ी आ गोटे सिलाई करिवी आ दुईटा जा सिलाई मझरे हुक खर सिलाई हबो। एबे हुक पट्टी रा सिलाई करिबा आ सेति पे मो राइट साइड रा ब्लाउज पीस को नेली आ कपड़ा नै छी 2 इंच चौड़ा या को 2 फोल्ड कर देली आ ब्लाउज पीस को सीधा साइड रखी यारी ऊपर सिलाई करी। यही सिलाई मध्य पॉइंट 2 रो हबो। बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा को कटिंग करने भी अल्प टिके रखी भीतर को मोड़ी ने भी कपड़ा को बाहर साइड को मोड़ी तारे ऊपर माने टिपरे टिपरे आ गोटे सिलाई करी। एबे पूरा कपड़ा को भीतर को मोड़ देबी तारी ऊपर आ गोटे सिलाई करी। हाफ इंच छाड़ी आ गोटे सिलाई करी। बाकी ऊपर को जहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा अच्छे तार कटिंग कर नेबी। हुक पट्टी आ हाई पट्टी को सामना सामने रखिले आ देखंदे दुटा जार लंब समान अच्छे। एबे बैक साइड रो सिलाई आरंभ करिबा। प्रथमे पछे पट दुटा डार्ट रो सिलाई कर देबा। एबे ब्लाउज रो अंटा साइड रो सिलाई करिबा आ सेति पई मु 2.5 इंच चौड़ा रो कपड़ा नै छी या को 2 फोल्ड कर देली आ अंटा ऊपर रखी हाफ इंच रो सिलाई करिबी। एबे कपड़ा को भीतर को रखी यारी ऊपर माने सीधा साइड रे आउ गोटे सिलाई करिबे। ए जो सिलाईटा करची भीतर साइड हेमिंग कर सल्ला परे ए सिलाई को खोली देबे। एटा जो टिके कपड़ा बाहर को अछि एटी हेमिंग हबो। एबे फ्रंट आउ बैक रो कांध जॉइंट कर देबा। कपड़ा को फ्रंट टू फ्रंट रखी दुटा जा कांध जॉइंट कर देबे। एटा मो हाफ इंच रा सिलाई करू छी।
बर्तमान हाथर जॉइंट कर देबा। हाथर मोहरी साइड रे हाफ इंच प्लस हाफ इंच मोड़ी यारी ऊपर आ गोटे सिलाई करबी। हाथर सिलाई सरला एबे हाथ को मोड़ी कर रखिले आ देखंतु फ्रंट साइड हाफ इंच भितर को अछि सेटा सब बोले हाफ आग को रहइबो। एबे हाथर जॉइंट कर दबा आ स्टिचिंग हाफ इंच रहबो। आर सेट मध्ये हाथर जॉइंट कर देबा। एबे देखंतु दुईटा जा साइड हाथर जॉइंट कर दे छी। एबे ब्लाउज रो साइड सिलाई करबा आ जहां हमें एक्स्ट्रा मार्जिन नैतिले सेठी मो सिलाई कर छी। आ गोटे सिलाई मध्ये आपण हाफ इंच छाड़ी करी पारंती। एबे कलर पाइपिंग पे मुठि क्रॉस पट्टी काटि छी आ देखंतु यार चौड़ा अछि 2 इंच और याकू आपण क्रॉस रे रखी स्टिचिंग करि नेबे। क्रॉस पट्टी को फर्स्ट जॉइंट कर देबा। क्रॉस पट्टी जॉइंट कर सला परे कपड़ा सीधा हो जाई छी। क्रॉस पट्टी को 2 फोल्ड कर देली आ याको ब्लाउज रो गला ऊपर रखी पॉइंट 2 रो सिलाई करबी आ टिके कपड़ा बाहर को रखी छी। कपड़ा छिकि न होबा पई सिलाई को छाड़ी करी गोड़े कट लगाई दो छी। एबे देखंतु कपड़ा टिके बाहर को रखि दिले ताको भीतर को रखि देबा आ कपड़ा भीतर साइड को मोड़ी अल्प टिके पाइपिंग परिका बाहर को रखि यार ऊपर स्टिचिंग करि नेबा। आ गोटे सिलाई पॉइंट 2 छाड़ी करिबा। फ्रेंड्स पुराना ब्लाउज रो माप नै ताको कपड़ा ऊपर रखी किपरि कटिंग करिबा आ तर स्टिचिंग करिबा संपूर्ण प्रोसेस आपण सह शेयर कली आ ब्लाउज रो वीडियो आपण को केमिति लागिला कमेंट कर जणाइबे। नुवा थिले सब्सक्राइब कर नै पे एवं पाछे ते बेल बटन प्रेस कर देबे आ ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर नै पे
आउ देखंतु फ्रेंड्स ब्लाउज बहुत सुंदर बनी पुणि थे देखा हे एक नेक्स्ट वीडियो रे। जय जगन्नाथ।